सेकंड फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग को देखना है वो कौन सा देखना है? अल्कोहल. कौन सा देखना है? एल्कोहल ठीक है. अल्कोहल की जब हम लोग बात करते हैं तो अल्कोहल का सिंबल होता है ओ एच. क्या होता है? ओ एच. मतलब ये बनेगा कैसे? सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, ठीक है ना. और इसका सफिक्स होता है ओल. सफिक्स क्या होता है? ओल. मतलब समझो, अगेन वही पुरानी कहानी स्टार्ट करेंगे. ये मेरे पास क्या है? मीथेन. क्या है? मीथेन. मीथेन के कितने बॉन्ड होते हैं? एक, दो, तीन और चार. अब मैंने क्या करा, ये हाइड्रोजन एलिमिनेट करके इसकी जगह क्या लगा दिया? एक ओ एच लगा दिया. क्या लगा दिया? एक ओ एच. तो क्योंकि ओ एच लगाया तो नाम में क्या आएगा? ओल. और कितने कार्बन है? एक. तो इसके नाम क्या पड़ गया? मीथेनोल. क्या नाम पड़ गया इसका? मीथेनोल. आई बात समझ में? ठीक है. इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होगा? CH3 ओ एच. अब अगर मुझे दो कार्बन वाला कंपाउंड बनाना होगा तो एक तो यहाँ पे क्या लगा दिया? ओ एच. ये एच, ये एच, एच. क्योंकि क्योंकि ओ एच है तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? ओल. और क्योंकि दो कार्बन है तो क्या आ जाएगा? इथेनॉल. आई बात समझ में? ठीक है. दैट इज CH3 CH2 OH, है ना. अगर तीन कार्बन वाला बना दी तो क्या बनता? CH3 C, 2H यहाँ, 2H यहाँ और एक OH यहाँ. इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपेनोल कहते हैं. CH3 CH2 CH2 OH. ठीक है. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो हो जाएगा CH3OH. ये हो जाएगा C2H5OH. ये हो जाएगा C3H7OH. आ रही बात समझ में? यानी कि अगर हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला लिखने जाएंगे, ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+1OH. क्या होगा? CnH2n+1OH. अगेन इन दोनों में कितने का गैप है? CH2. इन दोनों में कितने का गैप है? CH2. आ रही है बात समझ में? यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में कितने का गैप है? CH2 का. इज दैट क्लियर? अभी हाथों हाथ एक और फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक ठीक है. कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच. इसे हम लोग सी ओ ओ बी, सी ओ ओ एच बी बोलते हैं. इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड. क्या होता है? ओइक एसिड. सफिक्स क्या होता है इसका? ओइक एसिड. क्लियर है? ठीक है. अब देखो, सुनो, मुझे सी ओ ओ एच तो दिख ही रहा है, ये तो मेरे फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है ही. अगर मुझे एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो ये कार्बन तो है ही, पर इसके एक दो तीन बॉन्ड ही बने. एक बॉन्ड और बन सकता है. वो एक बॉन्ड ये किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ. वो एक बॉन्ड ये किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ. तो ये क्या बन जाएगा? एच सी ओ ओ एच. क्या बन जाएगा? एच सी ओ ओ एच. क्योंकि सी ओ ओ एच है तो इसके आगे क्या लगेगा? ओइक एसिड. और क्योंकि एक कार्बन है इसलिए इसे क्या कहेंगे? मीथेनोइक एसिड. ठीक है. अब अगर मुझे दो कार्बन चाहिए, अगर मुझे कितने कार्बन चाहिए? दो. तो एक कार्बन तो इधर पे ऑलरेडी है, एक कार्बन और अटैच किया. अब ये जो एक कार्बन अटैच किया इसका एक बॉन्ड तो बन गया, और कितने बनेंगे? तीन. तो इस कहानी को हम क्या कहेंगे? CH3 COOH. ये होता है तुम्हारा इथेनोइक एसिड. ठीक ठीक
ठीक है ना। अब अगर मुझे तीन कार्बन वाला चाहिए तो सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। अब कितने कार्बन चाहिए? दो। तो ये कार्बन के दो बॉन्ड तो बन गए, और कितने बनेंगे? दो। इसके कितने बने? एक। तो और तीन कितने बनेंगे? तीन। तो ये क्या हो जाएगा? सी प्रॉपर एच थ्री सी नॉइज एच टू सी ओ ओ प्रॉपर नॉइज एच। और क्योंकि तीन कार्बन है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रोपेनॉइक एसिड। वाला नहीं होता ब्यूटेनॉइक भी होता है, पेंटेनॉइक भी होता है। ओके, कितने भी हो सकते हैं। ठीक, अब सुनो, इसको अगर कंडेंस करके लिखें तो ये है सी एच टू ओ टू, ये है सी टू एच फोर ओ टू, ये है सी थ्री एच सिक्स ओ टू। ठीक ठीक है ना। यानी कि इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? सी एन एच टू एन ओ टू। देखो ओ टू तो सब में आ रहा है। जब कार्बन एक है तो हाइड्रोजन कितने हैं? दो। जब कार्बन दो है तो हाइड्रोजन कितने हैं? चार चार। जब कार्बन तीन है तो हाइड्रोजन कितने हैं? छह। आ रही है कहानी समझ में? ठीक है, तो क्योंकि ये इस तरीके से होता है तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सी एन एच टू एन ओ टू। इज दैट क्लियर? बोलो, कोई परेशानी? क्या क्लियर हुई कहानी? अच्छा, इसमें भी जो दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स रहेंगे उनमें हमेशा कितने का गैप रहेगा? CH2 सी एच टू और सी एच टू। ठीक,